और आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको महोबा से दिखाते हैं। उज्ज्वला योजना की दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि महाराज जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और 200 बेड का डीपीआर बन के तैयार हो गया है। हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही उसका शिलान्यास करने दोबारा महोबा पधारेंगे। और भी कई योजनाओं में अगर मैं योजनाओं को गिनाना शुरू कर दूंगा तो बहुत समय कम पड़ जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे महोबा जनपद को और बुंदेलखंड को प्राप्त हुई है। समय का बहुत अभाव है, बहुत कुछ कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन इतना सिर्फ अनुरोध करना चाहता हूं कि महाराज जी आपने बहुत कृपा की है बुंदेलखंड के ऊपर, एक कृपा और बुंदेलखंड पर कर दीजिए कि हमारे यहां के लोग रोजगार के अभाव में दिल्ली पंजाब और कलकत्ता भागते हैं। यहां ऐसा कर दीजिए कि रोजगार दे दीजिए, हम लोग कहीं ना जाएं। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाया है, बहुत विदेश से लोग, बंबई से लोग, हर जगह के व्यापारी आपके यहाँ आके निवेश कर रहे हैं। महाराज जी ऐसी कृपा हम लोगों पे हो जाए कि हम लोगों के यहाँ भी ऐसे फैक्ट्रियां खुल जाए कि हमारा मजदूर बाहर जाने को मजबूर ना हो। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः मैं क्षमा चाहता हूँ, मंच पर बैठे हुए अपनी सभी अतिथियों का मैं सम्मान नहीं कर पाया। हमारे चंद्रका प्रसाद उपाध्याय जी पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रभारी मंत्री जी धर्मेश जी हैं, हमारे पूर्व सांसद माननीय गंगाचरण जी हैं, हमारे प्रिय विधायक ऊर्जावान विधायक बृजभूषण राजपूत जी, जिलाध्यक्ष जी जितेंद्र सिंह सेंगर जी, हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष जी अनुरागी जी, सभी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, सभी चेयरमैनगण, सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी लाभार्थी, हमारे पूरे पंडाल में उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों में आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मीडिया के सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय बुंदेलखंड। आप सबकी भावनाएं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच रही हैं, लेकिन मंच की गतिविधियों को भी सम्मान दें और जब उचित समय हो उस समय जयकारा लगाएं या बोलें तो शोभा और बढ़ती है। आज सचमुच महोबा की इस धरती में एक ऐतिहासिक दिन है। ऐसा कौन था जिसने महिलाओं के सम्मान की बात सोची? ऐसा पहले कब हुआ जब धुएं में धुंधली हुई आंखों के दर्द को किसी ने समझा? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नारी के सम्मान की सुरक्षा के लिए घर घर शौचालयों का निर्माण कराया और उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुंधली होती हुई आंखों में उम्मीद की रोशनी जगाई। पूरे भारत में 8 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है और इसी की सफलता को देखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा उज्ज्वला योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है। मैं भी एक महिला हूं, इसलिए जानती हूं कि समय और श्रम की बचत होती है। एक गैस कनेक्शन आपके पास हो तो आप बचे हुए समय में कुछ और भी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मातृशक्ति भी आई है। मैं चाहूंगी जरा भारत की महिलाओं की आवाज आप मंच तक पहुंचाएं, जोरदार तालियां बजाएं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये हम जरूरतमंद महिलाओं के लिए सहयोग है, आशीर्वाद है और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना लेकर आई है ये योजना जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। और कुछ ही पलों में हम दिल्ली से जुड़ेंगे, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मैं जितेंद्र चौरसिया जी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने सुंदर सा एक गीत रचा जो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो विगत वर्षों में विकास के शिखर की ओर अपने चरण बढ़ाए हैं और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और एक नई उड़ान दी है, हमारे सपनों को साकार किया है, जितेंद्र चौरसिया जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपना गीत प्रारंभ करें बिना किसी भूमिका के, और जैसे ही आपको संकेत मिलता है आप अपने गीत को समाप्त कर देंगे। हमें जैसे संकेत मिलता है हम दिल्ली से जुड़ जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां जितेंद्र चौरसिया जी के लिए।
मिटाई शिक्षित भाव